Dear students, in this module, we are going to discuss victimless crime. Victimless crime ऐसे crime को कहा जाता है जिसके अंदर directly किसी भी individual को या उसकी property को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता लेकिन ये नुकसान जो है माशरे के value system को पहुँचाया जाता है माशरे का moral system जो right और wrong actions और acts को define करता है उसके अंदर कोई भी अगर कन, चाहे वो consented इंडिविजुअल्स ही क्यों ना हो अगर वो उसके उस वैल्यू सिस्टम को उस मॉरल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको भी क्रिमिनल एक्ट कंसीडर किया जाता है मिसाल के तौर पे होमोसेक्सुअलिटी है या मैरिटल रिलेशनशिप है अगर क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्राइम कंसीडर होते हैं चाहे वो consented इंडिविजुअल्स के दरमियान ही क्यों ना हो तो ये विक्टिमलेस क्राइम कहलाते हैं सो विक्टिमलेस क्राइम्स आर ऑफेंसेस दैट डू नॉट डायरेक्टली हार्म अदर पीपल एग्जांपल्स कैन इंक्लूड ड्रग यूजेज, गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन। इन पाकिस्तान ड्रग एब्यूज़ इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ विक्टिमलेस क्राइम एंड द कंट्री हैज़ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद द ड्रग एडिक्शन सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पर्टिकुलरली यूथ है अगर वो ड्रग एडिक्शन जैसे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होती है ड्रग कंजम्पशन में इन्वॉल्व होती है तो लेटर ऑन उसके बड़े सवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और पोटेंशली जो प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं आपकी कंट्री और आपकी सोसाइटी उससे महरूम हो जाती है तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द ड्रग अब्यूज़ और ड्रग कंजम्पशन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रेवलेंट एज़ कंपेयर टू द पास्ट पर्टिकुलरली इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके हवाले से जो मैकनिज़म्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो रहे हैं और उसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन इसके साथ साथ जो इस तरह के विक्टमलेस क्राइम होते हैं उनकी डिटेक्शन बहुत मुश्किल होती है उनकी अप्रीहेंशन बड़ी मुश्किल होती है और पर्टिकुलरली जो आपका आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनका फोकस भी इस हवाले से इतना नहीं होता क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो विक्टिम बेस्ड या प्रॉपर्टी बेस्ड क्राइम होते हैं सो वाइल विक्टिमलेस क्राइम्स मे नॉट हार्म अदर पीपल डायरेक्टली दे कैन हैव नेगेटिव सोशल इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑन इंडिविजुअल्स एंड कम्यूनिटीज़ पर्टिकुलरली स्पीकिंग जो आपका मॉरल सिस्टम होता है इससे वो हर्ट होता है और माशरा जो है बड़ी सख्ती से इसके हवाले से रिएक्ट भी करता है जैसे कि हम एक बहुत सेंसिटिव एग्जाम्पल जो ब्लास्फेमी की है ब्लास्फेमी इज़ कंसीडर कंसिडर्ड विक्टमलाइस क्राइम उसको बहुत सख्ती से डील किया जाता है उसके हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉग है ताकि एक ऐसी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जा सके जो कि हमारी मुस्लिम सोसाइटी की की आइडेंटिटी है आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेज़म एडॉप्ट करती है तो इन नैचुरल विक्टिमलेस क्राइम्स जो होते हैं उसमें में uh, बहुत uh, बाजूक़ात उनको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता लेकिन चूँकि इसमें विक्टिम इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इसके अंदर किसी प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद चाहे दो कंसेंटेड इंडिविजुअल्स के दरमियान हो या किसी एक इंडिविजुअल की वजह से वो क्राइम कमिट हुआ हो वो आपके वैल्यू सिस्टम और आपके मॉरल सिस्टम के लिए डैमेजिंग होता है इस वजह से उसको क्राइम कंसीडर किया जाता है